यह किशन भाई है, किस तरह की काटे जाते हैं यह सब देखते हैं हम लोग। देखिए किस तरह की जो है ये गट्टर बांधने के लिए इस तरह बहुत बेहतरीन। हम जा रहे हैं आप कहाँ, आपको पता है हम अभी खेती बाड़ी में है इस वक्त, और खेती बाड़ी का जो अभी मौसम है वो काटने का मौसम है, वो सब ये काटेंगे, धान काटेंगे, काटने के लिए लोग आए हुए हैं, तो हम उसे दिखाएंगे और किस तरह की काटे जाते हैं यहाँ की जो धान होते हैं वो किस तरह के काटे जाते हैं और वो दिखाएंगे। तो तब तक के लिए देखते रहना, अभी चलते हैं धान खेती में जो लोग अभी काट रहे हैं उसे दिखाने के लिए चलते हैं। हाँ दोस्तों, मैं इस वक्त खेती में मौजूद हूँ। चंद दिन पहले आप लोगों को कई महीने पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अभी का हालात है, खेती का जो हालात है वो बहुत ही नाजुक है, बारिश ना होने की वजह से ये सब बहुत ही तकलीफ़ में पड़ रहे हैं जो किसान होते हैं हमारे यहाँ के। तो अभी फ़िलहाल मैं उस खेती में खड़ा हूँ, फ़िलहाल अल्लाह की रहमत से ये सब पूरा जो फसल है वो हो चुका है, पक चुका है, और अभी काटने की तो ये सब काट के लेके जाएंगे। कुछ काटे हुए हैं और कुछ बाकी है, तो हमें असल में अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह हमें कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। तो मैं और आगे दिखाऊंगा किस तरह की जो धान हमारे यहाँ की सबसे पॉपुलर खेती रहा है वो कैसे काटे जाते हैं वो आप लोगों को दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं अभी फ़िलहाल मौजूद हूँ और आज किस तरह की जो यहाँ के धान होते हैं वो कैसे काटे जाते हैं सिकल से, हुक से, हम लोग कासी कहते हैं, कासी से किस तरह की काटे जाते हैं वो आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए देखते हैं अभी किसान लोग काट रहे हैं, किस तरह की काट रहे हैं वो आप देखते हैं। यह किसान भाई है, किस तरह की काटे जाते हैं यह सब देखते हैं हम लोग। देखिए किस तरह की जो है ये गट्टर बांधने के लिए इस तरह बहुत बेहतरीन। इसका काटने का रफ्तार देखो, जैसे मशीन से कट रहा है, मशीन जैसे ये वो बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत अच्छे से काट रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका काम देख के। और आजकल तो लोग कभी कभी कंबाइन जो होते हैं उसे यूज़ करते हैं, मशीन से करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ फ़िलहाल ऐसे ही लोग करते हैं कांची से। सो उम्मीद है ये प्रोसेसिंग बचपन से ही देख के आ रहा हो हम लोग, और अभी कई जगहों पे बहुत ही बेहतरीन अच्छे अच्छे मशीन जो है उसे लगा कर काटते हैं। तो अच्छा लगा है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेंगे ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो शेयर तक कर देना। छुप जाएंगे ज़मीन में, तो दुआ कीजिएगा ताकि जो किसी दुआ कीजिएगा ताकि जो किसान लोग हैं उसका जो पूरा हर साल का जो सफल वो रंग लाए हैं
और आइंदा इसी तरह खेती बाड़ी करते रहे और हमें फसल देते रहे। हमें उसके लिए दुआ करना चाहिए। हम तो उसे मदद तो नहीं करते, दुआ तो ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सबको।